जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं उन्हें कहते हैं शिक्षक। शिक्षक जो होता है उसके समाज में बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है। शिक्षक का पद ही ऐसा होता है कि समाज के अंदर उसको बहुत मान सम्मान किया जाता है। शिक्षक जो होता है उसे अपने समय के साथ साथ अपने ज्ञान को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल ज्यादातर लड़के और लड़कियां चाहते हैं कि वह जो है शिक्षक बने, यानी कि स्कूल में जो पढ़ाते हैं बच्चों को शिक्षक बने, टीचर बने, क्योंकि सबसे अच्छा जो फायदा होता है टीचर बनने का, पहला ये होता है कि वो अपने ज्ञान को बच्चों में बांटते हैं तो उनका जो ज्ञान होता है वो और भी ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि एक ऐसी कहावत है कि जितना ज्ञान आप बांटोगे अपना उतना ही आपका जो ज्ञान है और भी मजबूत होता जाएगा और भी बढ़ता जाएगा। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए जो शिक्षक होता है वो उसकी जो नौकरी होती है उसका जो पद होता है बहुत ही अच्छा पद होता है, इसीलिए सब चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात शिक्षक की नौकरी में ये होती है कि जहाँ सभी नौकरी हमें एक पूरे दिन करनी पड़ती है, वहीं शिक्षक की जो नौकरी होती है, टीचर की जो नौकरी होती है, वह हमें सिर्फ आधे दिन तक ही करनी होती है। और आइए मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो के अंदर कि आप एक अच्छे शिक्षक कैसे बन सकते हैं और एक शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनमें जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की जो क्लासेस होती है, बच्चों की जो कक्षाएं होती है, उनमें जो शिक्षक उनको पढ़ाता है फर्स्ट क्लास से एक फिफ्थ क्लास तक, उनके जो शिक्षक बनते हैं उनको सबसे पहले तो किसी भी विषय के अंदर 10th क्लास पास करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है सरकार द्वारा आयोजित राज्य शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पास करें। उसके बाद वो ये पास कर लेते हैं तो वो सरकारी स्कूल के कक्षा फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के शिक्षक बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, 6th to 8th तक के जो टीचर्स होते हैं उनको 6th to 8th का टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे वो 6th to 8th तक के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बन सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी स्ट्रीम में एजुकेशन पूरी करें, ग्रेजुएशन पूरी करें। उसके बाद है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा पास कर कोर्स को पूरा करें। सरकार द्वारा आयोजित राज्य शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा पास करें। सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो राज्य सरकार की वेतन व्यवस्था पर आधारित होती है। जितने भी हमारे निजी स्कूल जो होते हैं वहाँ पर जो हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, उनकी जो वेतन है शुरुआती वो 8,000 से 20,000 तक हो सकती है और इससे भी ज़्यादा उनकी सैलरी हो सकती है। ये निर्भर करता है उनके पढ़ाने की योग्यता पे, उनके ज्ञान पे और किस तरह से वो बच्चों की अच्छी सी कला है उनके पास, जिससे कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से उनकी बातों को समझ सके। निजी विद्यालय में काम करने के लिए आपको बीएड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्री डिप्लोमा कोर्स एंड एजुकेशन को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से किया जाना चाहिए। इसमें प्रवेश राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित मेरिट सूची के आधार पर किया जाता है। आपकी पसंद स्थान मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज आवंटित किया जाता है। एक शिक्षक बनने के लिए जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उनको पास करने के बाद जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, अगर आपने वह सारी प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली तो आप राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में एक शिक्षक बन सकते हैं। जब आप एक शिक्षक बन जाते हैं उसके बाद अपने जो आपकी प्रतियोगिता होती है, आप एक किस तरह से पढ़ाते हैं, जो कला होती है उसके आधार पर जो आपको न्यूनतम अवधि दी जाती है, अगर वह आप न्यूनतम अवधि जो पूरी कर लेते हैं उसके बाद आपको शिक्षा के लिए एक अच्छा पद दिया जा सकता है। जब आप अपने अनुभव के तौर पर एक शिक्षक बन जाते हैं या फिर जितनी भी शिक्षा से रिलेटेड परीक्षाएं होती है उनको पास कर लेते हैं तो आप कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं अपने अनुभव के तौर पर। अगर आप शिक्षक बन जाते हैं उसके बाद जितने भी आपके पास आसपास जितने भी प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, अगर आप सरकारी स्कूल में नहीं लग पाते हैं, जितने भी प्राइवेट जो स्कूल होते हैं आपके, आप उनमें जितने भी प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं आपके पास एक अवसर होता है नौकरी का कि आप शिक्षक हैं, आपका प्रदर्शन अच्छा है तो वहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है। उसके बाद आप जब अच्छे शिक्षक बन जाते हैं तो आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं या फिर अपना विद्यालय भी खोलकर चला सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा शिक्षक या फिर अच्छी शिक्षिका बनने के लिए, यानी कि अच्छा टीचर बनने की जो योग्यताएँ होती हैं
वह क्या क्या होती है कि आप अच्छे टीचर्स हो नहीं हो, बन पाए हो नहीं बन पाए हो, किस आधार पर आपको देखा जा सकता है कि आप एक अच्छे टीचर हो। सबसे पहले अच्छे शिक्षक बनने के लिए आप में ये योग्यता होनी चाहिए कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हो सिर्फ वही उसी के विषय में आपको जानकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि और जो विषय होते हैं उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जिस भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं क्लास में जाके, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए स्टूडेंट को, जो कि आप जो समझा रहे हो स्टूडेंट को वो बहुत ही जल्दी समझ में आना चाहिए। यह आपके और स्टूडेंट के फासले को कम भी कर सकता है। शिक्षकों को हमेशा अपने छात्रों को एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। किस तरह से उनका अच्छा भविष्य बन सकता है, देश प्रेम के बारे में सिखाना चाहिए, अपने देश के बारे में सिखाना चाहिए, ईमानदारी के बारे में सिखाना चाहिए कि कभी भी उसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक अच्छा और एक ईमानदार इंसान बन के रहना चाहिए। एक सब्जेक्ट जो होते हैं स्कूल के, उन सब की जानकारी के साथ साथ यह जानकारी भी एक अच्छे शिक्षक में होनी चाहिए जो अपने जो छात्र होते हैं उनको दे सके। जितने भी शिक्षक होते हैं उनको अपने स्कूलों में, जो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, आए दिन कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। अपने छात्रों के बीच में प्रतियोगिता रखनी चाहिए और छात्रों के साथ साथ खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि बच्चों को शिक्षा के अलावा जो स्कूल की किताबें होती हैं उनके अलावा और भी चीज़ों का ज्ञान हो सके। जो गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं उनके सिर्फ स्कूल में पढ़ाने के अलावा भी कई सारी ड्यूटियाँ होती हैं, कई सारे काम उनको करने पड़ते हैं, जैसे कि चुनाव के समय में उनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, और जो पोलियो की दवाई पिलाते हैं उनमें उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, और भी कई सारे जैसे कि हमारा जो जनगणना सर्वेक्षण किया जाता है उसमें भी टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आप किस तरह से शिक्षक बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए टीचर्स बनने के, कौन से कोर्स करने चाहिए, कहाँ तक पढ़ाई करनी चाहिए, और सबसे अहम बात कि एक अच्छे शिक्षक के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।